हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सेट थ्योरी के नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के सेशन में जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं, दैट विल बी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एंड डी मॉर्गन्स लॉ। ऑल्दो डी मॉर्गन्स लॉ इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, बट इसको हम अलग से प्रूव करके दिखाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ को। Let's start from the first, that is difference of two sets. Let us assume a set A, say 1, 2, 3, 4, and another set, say B, 3, 4, 5, 6. Let us assume a universal set U, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Now, difference of two sets. Say A minus B. A minus B stands for only A. A minus B means only A. Means all the elements which belong to set A but do not belong to set B. What is the meaning of A minus B? All the elements which belong to set A but do not belong to set B. Similarly, B minus A means all the elements which belong to set B but do not belong to set A. Now A minus B, 1, 2. Why? Because 3, 4 also the part of set B. A minus B means only A, 1, 2. Similarly, B minus A is equal to 5, 6. 5, 6 because 3, 4 also belong to set A. Means A intersection B is 3, 4. Dono ka intersection 3, 4 tha. So this cannot be the part of either A minus B or B minus A. Venn diagram, previous lecture में बताया था आपको क्या होता है Venn diagram. A and B are two sets, A and B. It divides the whole this part into three parts, 1, 2, and 3. First part is A minus B. A minus B means only A. This one. And this is only B. And this part, second part is A intersection B. So A union B is equal to 1 plus 2 plus 3. The combination of all three parts. First one is A minus B. Second one is A intersection B. And third one is B minus A. इस तीनों पार्ट्स को मिला के जो हमारे पास आंसर होगा दैट विल बी ए यूनियन बी। आई होप डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। फर्दर फिर आगे जाते हैं। यूनिवर्सल सेट मैंने लिया, क्यों लिया? यू माइनस ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू माइनस ए? यू माइनस ए मीन्स ऑल द एलिमेंट विच बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट बट डू नॉट बिलोंग टू सेट ए, दिस कैन नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? 5। क्योंकि अगर ये 5 नहीं है तो ये यूनिवर्सल सेट भी नहीं है। यूनिवर्सल सेट, ऑल द सेट्स आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट में से मैं कोई सेट को माइनस करता हूं, आंसर इज ऑलवेज 5। यू माइनस ए और यू माइनस बी इज ऑल्सो 5। यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास में? 5। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल सेट इज द बिगर सेट, ऑल आर द सबसेट्स। तो क्या होगा? ए माइनस यू इज 5, नॉट यू माइनस ए इज 5। इस ए में से यू को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर 5 आएगा। कॉमन एरर है, ध्यान से देखना इस बात को। बी माइनस यू इज इक्वल टू 5 इंस्टेड ऑफ यू माइनस ए एंड यू माइनस बी। ए माइनस यू बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ यू, नॉट यू इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये जो दो पार्ट थे दे आर इनकरेक्ट। ए माइनस यू इज 5, बी माइनस यू इज 5। इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट पे जब आएंगे तो बताऊंगा यू माइनस ए या यू माइनस बी क्या हुआ करता था। तो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट, इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल डैश, ए के ऊपर जो डैश लगाया, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इज ऑल द एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच डू नॉट बिलोंग टू सेट ए, जो सेट ए से बिलोंग नहीं करते, तो फिर किससे करते हैं? अगर ए से नहीं करते तो किससे करेंगे? यूनिवर्सल सेट से. इन दिस केस ए कॉम्प्लीमेंट इज 5, 6, 7, 8 and 9. ए कॉम्प्लीमेंट इज 5, 6, 7, 8 and 9. मीन्स वो सभी एलिमेंट जो ए से बिलोंग नहीं करते बट यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, दैट इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट, स्मॉल डैश रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट. या अब मैं इसको क्या बोलूं, यू माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू माइनस ए? ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट बट डू नॉट बिलोंग टू सेट ए, वो भी यही होगा. ठीक, कंपेयर करो इसे, जो मैंने इरेज नहीं किया, यहां से रब नहीं किया, इसीलिए नहीं किया. ए कॉम्प्लीमेंट विद यू माइनस ए. कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट का और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो एक सेट लिया, यूनिवर्सल सेट को मैंने अज्यूम किया, क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स का कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ क्लास 11, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, एक सेट है जिसको मैंने क्या बोला, दैट इज यूनिवर्सल सेट. अब उसमें ए सेट लिया, क्या सेट रिप्रेजेंट ऑल द गर्ल्स ऑफ क्लास 11? ए एक सेट है जिसमें सभी गर्ल्स हैं. एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट्स, वो सभी स्टूडेंट्स जो कि गर्ल्स नहीं है, तो क्या बचे? वो बॉयज. तो जो बॉयज हो जाएंगे दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट. इन दैट केस कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स छोड़कर, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स उसको छोड़कर. सिमिलरली इसी में अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट्री की बात करता हूं, बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? यू माइनस बी, जो ये लिखा था यू माइनस बी, क्या लिखूंगा? 1, 2, 7, 8 and 9. 1, 2, 7, 8, 9, दैट इज यू माइनस बी, बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. सेकंड टॉपिक आई गेस आपको क्लियर होगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इट्स प्रॉपर्टीज. इट्स प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के लिए मैं इसको यहां से मिटो रहा हूं. ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो ए सेट इटसेल्फ, मतलब एक बार कॉम्प्लीमेंट किया जो सेट आया ये केस, इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या आ जाएगा? फिर से ये आ जाएगा. ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारे पास में? सेट ए इटसेल्फ. यू कॉम्प्लीमेंट बस यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में नहीं है, वो क्या होगा? 5. भाई ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट. 5 को छोड़कर जो बाकी बचे वो सभी एलिमेंट से बचे हमारे पास में, वो क्या होगा हमारे पास में? यूनिवर्सल सेट. 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट. नाउ जो डी मॉर्गन्स लॉ की मैं बात कर रहा था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन. नाउ यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो गया, और अगर यहां पर इंटरसेक्शन होगा तो यहां क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा. ये प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है डी मॉर्गन्स लॉ. अब इस डी मॉर्गन्स लॉ को मुझे प्रूव करना है, डी मॉर्गन्स लॉ को मुझे प्रूव करके दिखाना है, बताना है. चलो प्रूव करते हैं इसको भी. फर्स्ट पार्ट है इसका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. लेट अस बिगिन विद लेट एक्स इज अ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. एक्स इज अ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. एक्स एक एलिमेंट है जो कि उस कॉम्प्लीमेंट से मैंने लिया, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी. अगर उसे कॉम्प्लीमेंट में है तो उसमें तो नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन यही थी, जो विच डू नॉट बिलोंग टू दैट सेट, तो नहीं होगा. नाउ बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, इसके लिए कुछ बातें ध्यान देख लो, कि अगर नॉट बिलोंग्स टू का केस होगा
अगर नॉट बिलोंग्स टू अ केस होगा तो यूनियन मींस, यूनियन मींस एंड, एंड इंटरसेक्शन मींस और, अगर नॉट बिलोंग्स टू अ केस होगा। लेकिन अगर बिलोंग्स टू का केस होगा, इन दैट केस यूनियन मींस और एंड इंटरसेक्शन मींस एंड। नॉट बिलोंग्स टू में यूनियन का मतलब, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा एंड या और का क्या मतलब है। तो मैंने कहा एक्स बिलोंग नहीं करता ए यूनियन बी से, मींस एक्स बिलोंग नहीं करता ए से यूनियन का मतलब, एंड एंड एक्स बिलोंग नहीं करता बी से। अब इस बात का मीनिंग यहां से क्लियर होना चाहिए थोड़ा बहुत। मैंने क्या बोला, एक्स बिलोंग नहीं करता ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का जो भी एक सेट है एक्स उस सेट से बिलोंग नहीं करता, तो एक्स ए से बिलोंग नहीं करता एंड और हिंदी वाला और एक्स बी से भी बिलोंग नहीं करता, क्योंकि अगर किसी एक से भी बिलोंग अगर करता तो वो इससे भी बिलोंग करता। एक्स ए से बिलोंग नहीं करता, एक्स बी से बिलोंग नहीं करता, इट मीन्स एक्स बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट से, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ बिलोंग्स टू एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक्स एलिमेंट लिखा था मैंने लेफ्ट हैंड साइड से बिलोंग करता है, प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड से, इट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज आइदर सबसेट और इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्रूव नहीं हो गया। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने राइट हैंड साइड का सबसेट प्रूव किया है, क्योंकि एक्स एक एलिमेंट इसका था और एक्स इसका एलिमेंट मैंने प्रूव कर दिया, तो वो उसका सबसेट भी हो सकता है। नाउ राइट हैंड साइड से सॉल्व करूं, लेट वाई बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वाई एक एलिमेंट है जो इससे बिलोंग करता है, तो वाई बिलोंग करता है ए कॉम्प्लीमेंट से एंड वाई बिलोंग करता है बी कॉम्प्लीमेंट से। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, एंड, क्योंकि बिलोंग्स टू का साइन है। y बिलोंग नहीं करता a से एंड y बिलोंग नहीं करता b से, कॉम्प्लीमेंट से हटाकर मैंने नॉट का साइन लगा दिया कि अगर y बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट से तो ये कंफर्म है कि y बिलोंग नहीं करेगा a से और y बिलोंग नहीं करेगा b से। अगेन एंड है, नॉट का साइन है, तो y बिलोंग नहीं करेगा, एंड का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, यूनियन ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करेगा। यूनियन क्यों हो गया ए का मतलब, क्योंकि मैंने ये बताया नॉट इक्वल टू के केस में एंड का मतलब यूनियन होता है हमारे पास। इट मींस वाई बिलोंग करेगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से, जो मुझे लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना था। इट इंप्लाइज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट और इक्वल टू ए यूनियन बी, और वी कैन से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट और इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज सबसेट इक्वल टू दिस वन। फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन वी कैन राइट, आई एम राइटिंग हियर सिंस दिस प्लेस शुडंट बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ए यूनियन बी whole complement is equal to A complement intersection B complement. This is a proof of De Morgan's law. I hope आपको ये clear होगा। जो second है De Morgan's law का part हमारे पास में, उसको भी आप similar way से आप अपने आप कर सकते हैं। I guess यहाँ तक का topic clear है, इसके ऊपर based आप next exercise easily solve कर सकते हैं। तो मैं आज का session यहीं पर end कर रहा हूँ। Thank you.